राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशी उम्मीदवारों को जिताने के लिए भरसक कोशिश करने में जुटे हुए हैं। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनूपगढ़ में पार्टी प्रत्याशी शिमला नायक के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान खड़गे ने प्रधानमंत्री के पुराने वादों को लेकर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री आजकल राजस्थान में चुनावी सभाएं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पुरानी बातों को दोहराना छोड़ दिया है। खड़गे ने लोगों से कहा कि प्रधानमंत्री ने चुनावी वादे किए थे कि विदेशों में जमा काला धन लाऊंगा और हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपये डालूंगा। आपके खाते में क्या 15 लाख रुपये मोदी ने जमा करवाए हैं? पीएम ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए थी, तो वो कहाँ है बताइए। ये चुनावी क्षेत्रों में हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत घूम रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं और पहले के बातों को दोहराने का उन्होंने छोड़ दिया। यानी पहले तो ये बात करते थे 2014-15 में, भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को विदेश में रखा हुआ खाला धन लाके हरेक के जोब में 15-15 लाख रुपए डालूंगा। क्या आप लोगों को मिला है? नहीं मिला? नहीं, ये तो आप झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलते हैं?